फ्लाइट। वेलकम टू एम्स्टरडैम एयरपोर्ट शिपहॉल, बैगेज हॉल, अराइवल हॉल, ट्रांसफ़र टर्मिनल 2 to 9, ऑल गेट्स। सो हम तो बाहर जाएंगे यहाँ से अभी, तो इमिग्रेशन का आगे इमिग्रेशन क्रॉस करनी है यहाँ पर, और उसके बाद बैगेज एरिया है। तो मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, तो मैं तो सीधा बाहर निकल जाऊँगा, तो इमिग्रेशन में वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर आपको बाहर का दिखाते हैं। T4 मीन्स टर्मिनल 4, ट्रांसफ़र गो टू द राइट साइड। और ये छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास इन मशीनों से खुद निकाल सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट इसमें डालेंगे और अपना डाटा देंगे, तो आपके साथ डिटेल इसमें आ जाएगी और आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। ओके जी, फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। देखिए कितना प्यारा चांद निकला हुआ है, मौसम थोड़ा साफ है, और इस तरफ शेरेटन होटल है, तो टेम्परेचर इस वक्त 14 डिग्री है, तो बड़ा आइडियल सा मौसम है। छोटी सी पतली सी मैंने जैकेट पहनी है, तो इससे गुजारा हो रहा है। हाँ अलबत्ता अगर जैकेट ना पहनी होती तो मुश्किल हो जानी थी, ठंड लगनी थी। तो इस तरफ वर्तरक का मतलब होता है डिपार्चर्स, ये डिपार्चर 2 है, और मुझे डिपार्चर 1 के सामने जाना है, वहाँ पर दोस्त ने आना है, उसने मुझे पिक करना है वहाँ पर। ये डिपार्चर 1 है, तो इसके सामने मैंने दोस्त को टाइम दिया था, तो अभी मेरे पास थोड़े से मिनट्स हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी आता है तो उसके साथ पिक जाते हैं। इस वक्त शाम के 10:45 हो चुके हैं, या कह सकते हैं रात के 10:45 हो चुके हैं, फिर भी आप देख सकते हैं आसमान पर अभी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी है। अभी थोड़ा सा सुनसान हो गया एयरपोर्ट, क्योंकि ये रात को बंद हो जाता है और सुबह दोबारा एयरपोर्ट ये खुलेगा, तो इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे रौनक कम हो जाती है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा फिर दोबारा से। जी दोस्त आ गए हैं जी, उनके साथ अब बैठ के गाड़ी में उनके, तो उनके घर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से इंशाल्लाह सुबह वापस फिर 4:30 निकलेंगे और 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाएँगे। आउटगोइंग एग्जिट। जिस दोस्त ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, उनका नाम नसीर है और मैं नासिर हूँ, तो वहाँ ज़रा उनसे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। हम पहले इधर एम्स्टरडैम आए हैं, तो पहले खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद वो मुझे अपनी दुकान दिखाने के लिए लाए हैं, तो ये उनकी दुकान है यहाँ पर, तो ये विगे कॉस्मेटिक्स और ये वो सारा इनके पास काफ़ी सामान है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये इस तरफ डिफरेंट किस्म के ऑयल्स पड़े हुए हैं, और ये हेयर ड्रायर वगैरह, और ये सारा कॉस्मेटिक्स, ये इस तरफ भी कॉस्मेटिक्स, और ये सारे विगे वगैरह हैं। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं इनके सूरीनाम के, तो मैं थोड़ा सा इनकी दुकान का आपको विज़िट करवाता जाता हूँ। ये देखें इस तरफ सारे कॉस्मेटिक्स हैं, और इस तरफ ये विगे हैं, तो बड़ी अच्छी प्राइस पर, बड़ी मुनासिब प्राइस पर, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं इनके पास। तो अभी ये यहाँ पे जो है, ये एक इनका ब्यूटी लॉन्ज भी है, यहाँ पे इनके पास एक लेडी भी हैं जो कि ब्यूटी का काम करती हैं, तो अगर किसी ने कोई नेल्स का काम करवाना हो, कोई आई लैशेज वगैरह, आईब्रोज का, तो वो भी यहाँ पे होता है। और ये इस तरफ भी सारी ये विगे वगैरह है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है इनका, तो मैं भी ये पहली दफ़ा आया हूँ इनकी दुकान पे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप दिया हुआ इन्होंने, और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, 400 से ज़्यादा ब्रांड है इनके पास कॉस्मेटिक्स के। तो नसीर साहब, अगर कुछ लोग आपके पास आए कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदने, तो आपकी दुकान का एड्रेस क्या है? ये स्टीफन सुविंदर स्ट्रीट 397 1093 GB। अच्छा, आपका ये कार्ड भी है, आपकी दुकान का नाम क्या है? आपकी दुकान का सोसो लोबी। सोसो लोबी, ये लोबी तो सुरीनामी वर्ड है, सुरीनाम की ये सारी चीजें हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आपका कार्ड भी है इसमें, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ इनके कार्ड पे भी थोड़ा, आप यहाँ से भी ये एड्रेस और इनका टेलीफोन नंबर अच्छे से जो है वो आप नोट कर सकते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
तो आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट बड़े अच्छे प्राइस पे मिल सकती है और दूसरी दुकानों से सस्ती भी मिल सकती है। तो आपने मेरा नाम लेके लेनी है इनसे आके, क्यों आपने वीडियो देखी थी और वो वीडियो देखने के बाद आप लोग इधर आए ये चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगी। सुरिनाम का जो कस्टमर है 100% मेरे, तो अच्छी चीज़ें गुड प्राइस पे आपको मिलेंगी। आपके पहले से जो कस्टमर हैं वो ज़्यादातर सुरिनाम के हैं? 100% सुरिनाम के, 99%। जी इस वक्त शिपुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं इस वक्त एम्स्टरडेम में हूँ और नसीर साहब गाड़ी चला रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम शिपुल एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। अगर इस तरफ मेरे लेफ्ट की तरफ देखें तो ये रोशनियाँ सारी एयरपोर्ट की हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट के पास पहुँच गए हैं, तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, 8:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। अभी टर्मिनल के पास हम इंशाल्लाह 5 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है और तो दूसरी तरफ सड़क जा रही है, वो है रोटरडाम और डेन हाग के लिए। तो ये हमने जो है वो सड़क चेंज कर ली है, बस अभी चंद मिनट में इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आज एक लॉन्ग फ्लाइट है एम्स्टरडेम से पारामारिबो सुरिनाम, 9 घंटे और 10 मिनट की ये फ़्लाइट है। बोर्डिंग पास मैं पहले ही ऑनलाइन निकाल चुका हूँ और मुझे जहाँ तक याद है मेरी सीट नंबर 34A है, तो मुझे बोर्डिंग काउंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा अंदर चलेंगे इंशाल्लाह, इमिग्रेशन होगी, आगे चलते जाएंगे, थोड़ा ड्यूटी फ्री में घूमेंगे, तो आगे फिर फ्लाइट गेट तक जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक यू टर्न ले रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, राउंड अबाउट है ये, और अभी आपको सामने तैयारे खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये सामने लेफ्ट साइड पे हिल्टन होटल है और ये डिपार्चर के बिल्कुल पास है, और भी बहुत सारे होटल हैं। ले जी इसके जो है ना 3 डिपार्चर हैं, डिपार्चर 1, 2 और 3। तो सामने आप देख सकते हैं, तो मैंने नसीर साहब से ये कहा है कि मुझे आप डिपार्चर 1 पे उतार दें, तो यहाँ से मैं अंदर जाके अपना गेट देख लूँगा कि मेरी फ़्लाइट कहाँ पे है। कल रात को जब मैं आया था तो 11 बजे के करीब इतना सुकून था यहाँ पे, कोई कोई गाड़ी नज़र आ रही थी, क्योंकि एयरपोर्ट रात को बंद हो जाता है। और अभी देखें कितनी जो है ना गाड़ियाँ और कितना रश हो गया यहाँ पर। ओके जी नसीर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, वहाँ डिपार्चर 1 के सामने पुलिस वाले ने खड़े नहीं होने दिया, तो ये डिपार्चर 2 के सामने आ गए हैं, तो वो सामने डिपार्चर 1 है और ये इस तरफ डिपार्चर 2 है, तो ये तकरीबन 1 मिनट की वॉक बनती है, तो हम डिपार्चर 2 से यहाँ एंटर हो जाएंगे। अभी ये इस तरफ डिपार्चर 2 है, तो यहाँ से अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा बोर्डिंग गेट किस तरफ है। मैंने अभी एयरपोर्ट पे पूछा है कि मुझे बोर्डिंग पास की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं, आपका ऑलरेडी चेक इन है और आपके मोबाइल में बोर्डिंग पास है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं अपने गेट की तरफ। तो अब मुझे यहाँ से चेक करना है कि मेरा गेट किस तरफ है। ये सारे डिपार्चर जो फ्लाइट्स कर रही हैं उनका यहाँ पे लिखा हुआ है गेट नंबर्स, तो अभी यहाँ देखते हैं। जी हमारी फ़्लाइट है 8:30 पे पारामारिबो के लिए, यह KL0713 और ये है E22, गेट E22 पे, तो E22 की तरफ जाते हैं। चेक इन और इमिग्रेशन क्रॉस कर आए हैं, एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और अभी बहुत ज़्यादा ड्यूटी फ्री शॉप जो है वो क्लोज़ हैं अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी थोड़ी देर में ये सब ड्यूटी फ्रीज वगैरह खुल जाएंगी। तो अभी अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, हमारा गेट नंबर है E22 और ये हम राइट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे गेट E2 से लेकर 24 तक इस तरफ जाना है, तो 7 मिनट का पैदल रास्ता दिखा रहा है। KLM की एक बहुत बड़ी फ़्लाइट यहाँ पे खड़ी है, ये है जी अपना गेट E22 और फ़्लाइट है हमारी 8:30 पे पारामारिबो KL0713। Zone 5 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अभी हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। वाह
बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। फ्लाइट में पहुंच चुके हैं, सीट है जी हमारी 34A जी, अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। ये है जी अपनी सीट 34A और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं यहाँ से। सीट मेरी जो है इसके विंग के ऊपर आई है, चले क्या कर सकते हैं हम जी। फ्लाइट अपनी चल पड़ी है, थोड़ा अभी पुश कर रहे हैं बैग को, तो अभी आपको टेक ऑफ दिखाते हैं। अपना नाश्ता आ गया है, ये थोड़े से राइस है और साथ में थोड़ी फिश है और साथ में ओलिव्स, वो टोमेटो है उधर, और ये ब्रेड का पीस है और साथ में मैंने पानी लिया है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पानी की बोतल भी दे के गए हैं। तो नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि अच्छे से मैं सोया भी नहीं था रात को। ये थोड़ा सा फ्लाइट का व्यू है, पीछे से मैं बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं आगे फर्स्ट क्लास में जो है वो आगे पर्दा लगा हुआ है, उससे भी आगे काफ़ी सारी फ्लाइट है। ऐसे लगता है जैसे पूरा शहर इसमें आबाद है। अब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। जी 3 घंटे और 27 मिनट का रास्ता बाकी रह गया है और जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है पारामारिबो सूरीनाम में वो 12:41 है। खाने पीने के मामले में जो इतनी लंबी फ्लाइट है, 9 आवर 10 मिनट की फ़्लाइट है ये, तो ये इनका कोई स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, जबकि दूसरी एयरलाइन जो इतनी लंबी फ़्लाइट हो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सर्व करती है। ये है जी ये पिज़्ज़ा जो इन्होंने लास्ट पर सर्व किया है, इसको खाते हैं जी। हमारी फ्लाइट लैंड करने में सिर्फ 16 मिनट बाकी रह गए हैं, तो अभी हम लैंड करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा सा बाहर के व्यूज़ भी दिखाएंगे और लैंडिंग व्यू भी दिखाएंगे। पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद अभी हम सूरीनाम की टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं। अब जब भी सूरीनाम आते हैं तो एक फॉर्म फिल करना होता है इमिग्रेशन को देने के लिए, तो वो हमेशा वो आपको फ़्लाइट में देते हैं तो आप फ़्लाइट में फ़िल कर लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा कि इनके पास फॉर्म नहीं है, वो नीचे जाके इमिग्रेशन जा पहुँचने से पहले वो मिल जाएंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं सारा जंगल गुजर रहा है। सूरीनाम की एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर जो लोकल टाइम है इस वक्त वो है 12:45 आफ्टरनून। अल्लाह ताला का शुक्र है खैर खैरियत से पहुँच गए हैं, खैर खैरियत से लैंड किया है और बहुत ही अच्छा और स्मूथ लैंड किया है और
मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़े से बादल वगैरह छाए हुए हैं और टेम्परेचर जो अभी थोड़ी देर पहले पायलट ने बताया था वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह से व्यू है अभी तो वेट कर रहे हैं गेट के ओपन होने का। जैसे गेट खुलेगा सीढ़ियाँ लगेंगी तो नीचे उतरेंगे, बहुत बड़ी फ्लाइट है। अभी फ्लाइट से बाहर जा रहे हैं, बहुत बड़ी फ्लाइट है, अंदर ही अंदर शायद 100 मीटर चलना पड़ता है। थैंक यू वैल। ये NAC पता नहीं किस कंट्री की फ्लाइट है, ये भी एक आई है और ये कार्गो लग रही है, अमेरिकन फ्लैग बना हुआ है, शायद अमेरिका से है। और ये है जी इस तरफ अपनी फ्लाइट जिस पे अभी हम आए हैं, और इस तरफ योहान एडॉल्फ हेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेलकम टू सूरीनाम। ये देखें जी, यहाँ से थोड़ा दूर से मैंने व्यू लिया है इसका, पूरी फ्लाइट का जो आ रहा है व्यू इसमें। और उस तरफ एक SLM सूरीनाम एयरवेज भी खड़ी है छोटी सी।